नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ स्टॉक सोना कॉमस्टार, जो सोना BLW प्रिसीजन की नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोजोन एनर्जी के ऊपर, और वहां पे दोस्तों जबरदस्त ऑर्डर्स के ऑर्डर आ रहे हैं, और दोस्तों स्टॉक में जो रिजल्ट आया वो कैसा रहा है उसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक, जहां पे दोस्तों बड़े लेवल के ब्रेकआउट्स आ रहे हैं दोस्तों, IDFC 100 का लेवल सो रहा है, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा की है दोस्तों हमने, तो आप जरूर से उस वीडियो को देख सकते हैं जाके। अब बात करेंगे दोस्तों आज सोना कॉमस्टार के स्टॉक के ऊपर। अब सोना कॉमस्टार के स्टॉक के ऊपर बात करने का वजह क्या है, तो दोस्तों तो सोना BLW प्रिसीजन फोर जिंक का अगर प्रीवियस फ्लो देखेंगे तो 533 है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक ओपन हुआ कहाँ पे, 5YY गैप डाउन ओपनिंग आया, तो पहले तो ये समझने की जरूरत है गैप डाउन ओपनिंग क्यों आया। फिर हाई बनाया स्टॉक ने 573, क्लोज आया 541 और लो था 503, यानी कि अगर यहाँ पे चार्ट पे समझे गैप डाउन ओपनिंग आया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर दोस्तों एक बेस बनाया और फिर सडनली क्या हो गया कि ये स्टॉक इतना ऊपर चला गया। रीजन क्या है, क्या यहाँ पे दोस्तों ये जबरदस्त तेजी बनने के बिना पीछे क्या है, तो पहले समझते गैप डाउन क्यों आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सोना BLW प्रिसीजन जो है ओरेसिस इन्वेस्टमेंट टू सेल 3.2% स्टेक इन अ सोना BLW वाया ब्लॉक डील ऑन अ वेनसडे, और उसी की वजह से दोस्तों ये बड़ी बड़ी लार्ज डील हुई और प्रमोटर ही लग रहा है कि दोस्तों सेलर है, और उसकी वजह से डाउनसाइड आया, बट वो डाउनसाइड दोस्तों फिर वापस से ऊपर आया, तो उसके पीछे की रीजन की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो सोना कॉमस्टार है वो दोस्तों इनोवेशन बहुत ही अच्छा है, उसका डिजाइन डेवलपमेंट नए जनरेशन, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहां पे दोस्तों ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है विथ सुपीरियर क्वालिटी से दोस्तों बनाते हैं, तो ये जो दोस्तों है जो ईवी का दोस्तों जो चल रहा है अभी उसमें एक गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए दोस्तों। अब थोड़ा फंडामेंटल के ऊपर नजर डालें, उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2023 में जो रेवेन्यू आया है वो 743 करोड़ का रेवेन्यू है, सामने एक्सपेंसिव 543, 200 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है जो कंटिन्यूस रहता है। आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूस वही दिख रहा है दोस्तों, अदर इनकम लास्ट क्वार्टर से कम आई है बट नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो 120 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा रिजल्ट है। ईयर टू ईयर में कैसा है दोस्तों, रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 करोड़ का है दोस्तों, तो YOY में भी अच्छा उछाल आप बोल सकते हैं, तो दिक्कत किधर आ रही है। तो सोना BLW प्रिसीजन के फंडामेंटल रेशियोज क्या है, तो सोना कॉमस्टार जो है वो मार्केट कैप जो है वो 31,706 करोड़ का है, स्टॉक का पी 79.7 है, बुक वैल्यू 39.1 है, डिविडेंड इज 0.52% है, ROC 22.4% है, ROE 18.6% है, फेस वैल्यू 10 है, तो आप बोल सकते हैं फंडामेंटल अच्छे है। डेप्ट ना के बराबर है 295 करोड़, नथिंग विद द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी इज 31,706 करोड़, सो ना बराबर डेप्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। अगर यहाँ पे आप नजर डालेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो जो हमने डिस्कस किया था प्रमोटर जो है अपने होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बेच रहे दोस्तों, 33% का होल्डिंग है, बट FII की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सिंगापुर अपना होल्डिंग काफी अच्छा बढ़ा है, 5.35 का फिडिलिटी फंड है, BNP पारिदास आर्बिट्रेज फंड है, सोसिएट जनरल है, उन्होंने सबने बाय किया है। अगर DII के ऊपर नजर की जाए दोस्तों, तो DII भी जो है दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास है, SBI म्यूचुअल फंड के पास है, और यहाँ पे आप देखेंगे मीरा लार्जेस्ट मिड कैप फंड के पास है, आदित्य बिरला के पास है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जहाँ पे अपने पैसे लगा रखे हैं दोस्तों, तो ये जो अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड और वो सब पैसा लगा रहे हैं। बट यहाँ पे आपने देखा दोस्तों न्यूज में कि यहाँ पे ऑर्नस इन्वेस्टमेंट ने अपना स्टेक जो था वो सेल भी किया हुआ है, तो बड़े इन्वेस्टर्स आगे पीछे हो रहे हैं। पीयर कंपेरिजन में हमें क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों सोना BLW थोड़ा महंगा स्टॉक है दोस्तों, 79.68 है, ईवी का जो दोस्तों मोमेंटम दिख रहा है और उसी की वजह से ये स्टॉक में जो अगर देखें तो पी वैल्यूएशन हाई है, और बाकी जो स्टॉक है उससे सबसे ज्यादा महंगा भी है।
अगर यहाँ पे हमने क्वार्टरली रिजल्ट देखा, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो आप देखेंगे सेल्स जो है ईयर टू ईयर दोस्तों बढ़ रहा है, हर साल बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। तो कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रही है, अदर इनकम भी अच्छा आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ईपीएस में सुधार आ रहा है। बट लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर में ज्यादा ग्रोथ नहीं आया है, और उसी की वजह से स्टॉक का प्राइस एक ही लेवल के ऊपर पड़ा रहा था। अब हम दोस्तों चार्ट बात करेंगे चार्ट के ऊपर, हम डेली चार्ट के ऊपर है। यहाँ पे दोस्तों जब आईपीओ आया उसके बाद दोस्तों स्विंग लो जो था वो 292 का था, फिर जो हाई बना था वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मार्केट ने दे दिया था, वो था 842 का लेवल। फिर वहां से कंटिन्यूस गिरावट आना स्टार्ट हुआ, और उस गिरावट में यहाँ पे बॉटम बनाया 410। तो ये लेवल कहाँ से आया, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों। हम डेली चार्ट के ऊपर है सोना कॉमस्टार के, और स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो 78.6% का रिट्रेसमेंट है 410 है। अगर यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट है 567, और 61.8% का गोल्डन रेशो रिट्रेसमेंट है 500। यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों आप सबने देखा कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट में यहाँ से नीचे से स्टॉक में तेजी बनी दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त तेजी बनी उसी लेवल से, फिर यहाँ पे एक बेस बनाया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर वापस से ऊपर गया, फिर ये जो लेवल है वहां पे एक बेस बनाने की कोशिश की, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, एक बड़ा कैंडल रेड बना, फिर यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश की, आज नीचे आया स्टॉक सेल के चलते हुए, फिर वापस से वहां से ऊपर चला गया क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अभी 500 का लेवल है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, तो हम 495 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। अगर एक बार 560 के लेवल के ऊपर टिक जाता है दोस्तों, फिर यहाँ पे और तेजी बनने की गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले टाइम में दोस्तों आपको 630 to 700 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ईवी थियरी पर कारोबार चल रहा है। चिंता की बात यही है कि दोस्तों यहाँ पे बड़ी उथर पुथर हो रही है शेयर होल्डिंग में, बड़े बल्क डिस बन बल्क डील की बात करें तो दोस्तों बड़े बड़े ट्रेड बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप बल्क डील देखेंगे तो यहाँ पे 13 मार्च को दोस्तों HDFC म्यूचुअल फंड और ये सब बहुत सारे लोगों ने एक साथ परचेज किया था। आप देखिए दोस्तों ये बहुत सारे लोगों ने परचेस किया था, जब सिंगापुर है उन्होंने वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच दी थी। तो ये बड़ी बड़ी दोस्तों क्वांटिटी हर बार बेचने के लिए आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉकली में बाय भी होता है, तो ये चीजें दोस्तों अगर रुक जाएगी तो अपने लिए अच्छा हो जाएगा, और ये जो दोस्तों स्टॉक है वो स्टेबिलिटी दिखाना स्टार्ट कर लेगा। फंडामेंटल्स अच्छे है बट दोस्तों ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, थोड़ी महंगी चीज है, बट अभी ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, तो दोस्तों और एक अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हमें रखनी चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस कह रहा है। आपका क्या दोस्तों व्यू है वो मुझे जरूर से बताइए, और अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी तक आपने एंजल में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया था फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है।